हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं। सनम जावेद की वीडियो पर हम अक्सर रिएक्शन आपसे शेयर करते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस होती हैं इनकी, कमाल की स्क्रिप्ट होती है और एडिटिंग भी बहुत ही कमाल की होती है। कहीं से भी वीडियो को देखकर ये नहीं लगता कि ये दो पार्ट्स को कंबाइन करके एक पूरी वीडियो बनाई गई है। बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, फनी और इंटरटेनिंग भी होती है। और ये मोस्टली जो है ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पर PDM, तो उनके इंटरव्यूज क्रिएट करती होती हैं। बहुत ही अच्छी वीडियोस होती हैं। आज हम एक और उनकी वीडियो लेकर आए हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। होप सो कि हमेशा की तरह आज भी उनकी वीडियो बहुत बेहतरीन होगी। आज की जो उनकी वीडियो का मौजू है वो है मरियम नवाज की मासूमाना ख्वाहिशों के हवाले से, तो उसको हम देखेंगे, उस पर हम अपना रिएक्शन और रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। हमेशा की तरह एक गुजारिश करते चलेंगे कि हमारी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल में। सनम जावेद खान की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सनम जावेद खान जो कि फनी वीडियोस बनाती हैं, इनका चैनल भी बहुत अच्छा है और इनकी वीडियोस भी बहुत ही अच्छी और फनी वीडियोस होती हैं। आज मरियम नवाज की भोंगियों पर एक इन्होंने वीडियो बनाई, उम्मीद करते हैं कि अच्छी वीडियो होगी। आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे अपना रिव्यू और रिएक्शन शेयर करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। आइए वीडियो देखते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। खान साहब की गिरफ्तारी के चक्कर में ना पूरी PDM चकरा के ही रह गई है। ये जिसे निवाला समझकर निगलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मजबूत हड्डी निकल आया और अब इन्हीं के गले में फंस गया है। ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। खान साहब की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शरीफ खानदान की है। ये लोग उनको जेल में देखने के लिए पिछली 3 रातों से नहीं सो पाए। यानी खान साहब ने पूरी कामयाबी के साथ पूरे खानदान की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। मोहतरमा नानी साहिबा तो इतनी शिद्दत पसंद हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अब तक 2-4 TV और 1-2 iPhone तो तोड़ ही चुकी होंगी। इस सारे तनाजुर में सबसे ज्यादा नुकसान कैप्टन सफदर को हो रहा होगा, क्योंकि जब तक नानी को इमरान खान नहीं मिलते, सारा गुस्सा वो कैप्टन सफदर पे ही उतार रही होंगी। ये तो इतनी शिद्दत पसंद हैं कि जब इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो चाट पटवारियों को ही आपस में लड़वाकर अपनी चाह पूरी कर लेती हैं। एक अफवाह तो ये भी है कि जिस दिन से पुलिस खान साहब को गिरफ्तार करने निकली है, उस दिन से सुल्तान राय की तशद्दुद वाली फिल्में देख रही है। मरियम बीबी तो इतनी शिद्दत पसंद हो गई है कि कहीं दो मुर्गों की लड़ाई हो रही हो तो उसको भी घंटों एंजॉय करती है। चबाने वाली औरत इतनी शर पसंद है कि अगर कहीं दो लोग गुस्से में बातें भी कर रहे हों तो ये उनके बीच में जाके जब तक खून खराबा न करवा दे, इसके दिल को चैन नहीं मिलता। अगर आप किसी समंदर में दो मछलियों को लड़ते हुए देखें तो समझ जाएं कि जरूर मरियम नवाज उनसे मिलकर गई होगी। सिर्फ मरियम ही नहीं, पूरा पटवार खाना ही खूनी हो चुका है। ये लोग पुलिस वालों को सिर्फ इस बात पे गालियां निकाल रहे हैं कि मुजम्मत करने वालों को कम डंडे क्यों मारे। ट्विटर पे तो अजीब ही तमाशा चल रहा है। कोई पटवारी सुबह सुबह शुल्ली छोड़ता है कि आज तो खान साहब को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, तो सारे पटवारी अपने सारे काम छोड़कर 24 घंटे के लिए ट्विटर पर ही बैठ जाते हैं। इन बेचारे पटवारियों की मिसाल तो याजूज मजूज जैसी हो गई है। सारी रात दीवार चाटकर जब थक कर सोते हैं तो सुबह दीवार वैसे की वैसी ही होती है। पिछले 3 दिन से खान साहब ने इन 13 पार्टीज की हालत बिल्कुल ऐसी ही कर दी है जैसी इन 13 पार्टीज ने 30 सालों में पाकिस्तान की हालत की है। PDM के बगल बच्चों की हालत सबसे ज्यादा पतली हो चुकी है। उनके जराए उनको खबर देते हैं कि आज तो खान साहब की गिरफ्तारी जरूर होगी, और वो खुशी खुशी ट्विटर पर ट्वीट डाल के लोगों को इतला देते हैं। फिर वो खबर झूठी निकल आती है तो ट्वीट डिलीट करके दोबारा से सहाफी बनने की कोशिश करते हैं। वैसे पुलिस ने जितनी कोशिशें खान साहब को गिरफ्तार करने की हैं, अगर इतनी ही कोशिश चोरों को गिरफ्तार करने में करते तो आज कई शरीफ अंदर होते। इसी के साथ ही मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदाफिज़। ये थी आज की वीडियो, हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन वीडियो रही है। आज की भी बहुत इंजॉय की है। बात की जाए मीडिया की, तो हकीकत में इमरान खान ने उनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। अच्छी वीडियो थी, मजा आया देखकर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार वीडियो थी, मजा आया वीडियो देख के। यजूज मजूज की तरह जैसे उन्होंने बताया है कि वाकई ऐसा ही हो रहा है कि सुबह शाम एक ही ख्वाब देखा जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे यजूज मजूज सारी रात दीवार चाटती है
और फिर दीवार वही की वही होती है, तो इमरान खान भी अपने घर में बैठे होते हैं। इमरान खान हकीकत में इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। इमरान खान का कसूर सिर्फ एक ही है कि वो पॉपुलर हो गए और आवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत बन गई है। इसके अलावा इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, इसी वजह से ये इलेक्शन जीतते हुए नजर नहीं आ रहे और इमरान खान के मगर पड़े हुए हैं। लेकिन पता नहीं ये इमरान खान को गिरफ्तार करके करना क्या चाहते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मंसूबा तो इनका एक ही है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और किसी न किसी तरह इलेक्शन जीता जाए या डिले किया जाए। अगर जीत सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना डिले तो कर ही लें। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पर होगा और इमरान खान वापस जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। बस सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो।